उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। सूबे के 75 जिलों के लिए 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव 22 और दूसरे का 26 और आखिरी चरण का 29 नवंबर को होगा। पहले चरण में 24 जिलों में चुनाव संपन्न होंगे। इसी प्रकार दूसरे चरण में 25 और तीसरे चरण में 26 जिलों में मतदान होंगे। चुनावों का रिजल्ट 1 दिसंबर को आएगा। पहले चरण में यहां होंगे चुनाव शामली, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बदायूं, हाथरस, कासगंज, आगरा, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और सोनभद्र में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में यहां होंगे चुनाव लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, ललितपुर, बांदा, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, बलिया, वाराणसी और भदोही में मतदान होगा। तीसरे चरण में यहां होगा मतदान सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, मुरादाबाद, संभल, बरेली, एटा, फैजाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, महोबा, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, चंदौली, जौनपुर और मिर्जापुर में वोट पड़ेंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।